तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2, विच इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स या फिर टू एक्सप्रेशंस। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, यानी कि हमें मोनोमियल की क्या है मल्टीप्लीकेशन करनी है। जैसे हमारे पास एक टर्म है 4x, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने 5x² से। ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, यानी कि ये एक मोनोमियल, ये एक मोनोमियल। तो देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी। हम क्या करेंगे, 4 और 5 की तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 5 × x × x² 4×5 = 20 x × x² क्या होगा, यहां पे इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 2। देखो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो एक्स की क्यूब, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 20x³। क्या आ गया, 20x³। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 × 2² तो क्या होगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 2³। जैसे 2 × 2 की पावर 9 तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 10। अप्लाइंग थ्री और मोर मोनोमियल्स, यानी कि ये तो थे हमारे पास दो मोनोमियल, टू मोनोमियल की मल्टीप्लाई करी। अब करते हैं हम थ्री मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे हमारे पास है 4x + (5y) = 10z, तो ये क्या होगा हमारे पास, अगेन 4 × 5 = 20 × 10 यानी कि 4 × 5 × 10 × x × y × z, तो 5 × 10 = 54 = 200। और यहां से ये तीनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल, तो ये क्या आ जाएगा एक्स वाई और जेड, यानी कि 200 x y z क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन आ गई इन तीन मोनोमियल्स की। इसी के बेस पे मैं गिवन है एक्स एग्जांपल नंबर थर्ड। जैसे में गिवन है 3x × 5y = 3x × 5y यानी कि 15xy। नेक्स्ट हमारे पास 9y × 4y² तो इसकी क्या होगी मल्टीप्लीकेशन, 9 चौक 36 और y × y² y³। जैसे इसका थर्ड पार्ट इज 4ab × 5bc, तो क्या होगी 5×4 = 20। अब ए कितनी है, यहां पे ए की है, बी कितनी है, b × b = b², और सी भी क्या है 1, तो 20ab² c। लास्ट 2l² (m) = 3lm² ये क्या हो जाएगा, 3×2 = 6। एल स्क्वेयर और l यानी कि क्या हो जाएंगे, बेस सेम तो पावर ऐड, तो यानी कि l की पावर 3 और m × m² (m³³), यानी कि 6l² (m³³) ये क्या है हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन। ये तो देखो एरिया पे बेस्ड था, एरिया भी क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लीजिए ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एग्जांपल थर्ड। अब एग्जांपल फोर्थ में क्या है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स के में, क्या गिवन है वॉल्यूम, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि LBH। तो यहां पे हमें लेंथ गिवन है 2ax, ब्रेथ गिवन है 3by और हाइट गिवन है 5cz। तो देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन यानी कि वॉल्यूम क्या होगी, 32 × 6 = 30, ABCXYZ, ये क्या आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी, जहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है गिवन। इसी तरह से इसके दो पार्ट हो रहे हैं, वो क्या आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर ऑफ मोनोमियल्स, यानी कि हमें मल्टीप्लीकेशन फाइंड करनी, यानी प्रोडक्ट फर्स्ट इज 4,7 फी, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास 4 × 7 पी यानी कि 28 पी। सेकेंड पार्ट इज -4 पी एंड 7 पी। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा यहां पे, -4p × 7p, 7 × 28 और माइनस तो ऐसे ही, तो -28 p × p p² थर्ड पार्ट इज -4p × 7p क्या हो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 × 28 -28 p × p p² और क्या हो एज इट इज, तो -28 p² क्या हो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 4p³ × -3p, तो ये क्या जाएगा 4 × 3 = 12 यानी कि -12p⁴। फिफ्थ पार्ट इज 4p × 0, किसी की भी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करें तो वो क्या आ जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, हमें लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पार्ट इज पी एंड क्यू, यानी कि लेंथ है पी एंड ब्रेथ है क्यू, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल का, पी इंटू क्यू विच इज पी क्यू। अगेन सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास 10m and 5n, यानी कि लेंथ हमारे पास 10m और ब्रेथ है 5n, तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का 10, 5 = 50 और mn यानी कि 50 mn क्या आ गया एरिया। इसी तरह से बाकी पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें एक टेबल गिवन है और वो क्या हमें कंप्लीट करनी है, तो देखो मैं आपको 2-3 पार्ट करवा देता हूं, इसके बाकी टेबल आप क्या खुद कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे हमें गिवन है फर्स्ट मोनोमियल, यहां पे सेकंड मोनोमियल, यानी कि देखो एक टेबल हमारे पास 2x 2x, यहां पे हमारे पास -5y और यहां पे -5y, इसी को देख लेते हैं कैसे कंप्लीट करनी है ये। तो देखो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, 2 × 4 x × x x². अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 5 × 2 = 10 -10 x × y यानी कि xy, इसी तरह से ये आगे चलेगी वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 × 2 = 10 यानी कि -10 xy और इसकी मल्टीप्लाई से -5 × -5 -−+ और 5² = 25, तो 25 और y × y y², तो इस तरह से आप क्या है इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -5y से तो -10 xy आएगा, फिर -5y की मल्टीप्लाई 2x से तो -10 xy और -5 की मल्टीप्लाई -5y से तो 25y². इस तरह से क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड की रिमेनिंग टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओबटेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमारे पास लेंथ गिवन है 5a, ब्रेथ इज 3a² एंड हाइट इज 7a⁴, ये गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होगी रेक्टेंगुलर बॉक्स की, फाइव ए मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 7a⁴। तो 5 × 3 = 15, 15 × 7 =
105 ए ए स्क्वायर ए की पावर 4, तो टोटल क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 और 2 3 और 4 7, यानी कि ए की पावर 7। जब बेस सेम हो हमारे पास तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 105 इंटू ए की पावर 7 क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गई रेक्टेंगुलर बॉक्स की। इसी तरह से इसके और भी पार्ट की होने हैं, जैसे इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स वाई 2x2y एंड 2xy2। तो देखो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए, एक्स वाई मल्टीप्लाई 2x2y मल्टीप्लाई 2xy2, यानी कि 2 2 जा 4। एक्स कितनी बार है, 1 2 और 2, यानी कि एक्स की पावर कितनी है हमारे पास यहां 4, तो 4 इंटू एक्स की पावर 4। वाई की पावर कितनी है, 1 और 1 2 और 2 4, तो वाई की पावर 4, यानी कि 4 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गई रेक्टेंगुलर बॉक्स की। लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो देखो एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 1 और 1 2, यानी कि एक्स स्क्वेयर। वाई की पावर भी 2 यानी कि वाई स्क्वेयर, और जेड की पावर 2 यानी कि जेड स्क्वेयर। सेकेंड पार्ट इज ए माइनस ए स्क्वेयर ए की क्यूब, ए माइनस ए स्क्वेयर और ए की क्यूब। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी हमारे पास, माइनस है तो यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे पावर है 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि माइनस ए की पावर 6 क्या आ गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट। थर्ड पार्ट इज 2 4y 8y² and 16y³। तो देखो 4 2 जा 8 8 8 जा 64, तो यानी कि 64 into 16, और y कितनी बार है, y की पावर 1 2 और 1 3 और 3 6, y की क्यूब। अब 16 चौके 64 हासिल छ, 16 5 80 16 6 96 और 6 102, यानी कि 1024 इंटू वाई की क्यूब क्या आ गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज ए 2b 3c and 6abc। देखो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, a इंटू 2b into 3c into 6abc, 3 2 जा 6 6 जा 36, a की पावर कितनी होगी, 1 और 1 2, b की पावर 1 और 1 2, और c की पावर 2, यानी कि 36 a² b² c² क्या आ गया इसका प्रोडक्ट। लास्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट m माइनस एम एन एंड एम एन पी, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। देखो m की पावर कितनी है, 1 1 1, यानी कि m की पावर 3, माइनस है तो माइनस बाहर। अब n की पावर कितनी है, 1 और 1 2 n² और p, यानी कि माइनस m की क्यूब n स्क्वेयर p क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।